हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग दोपहर के 11:30 बजे तक शुरू हो गया और आज बहुत लेट व्लॉग शुरू हुआ है। किस कारण? इस कारण आज मंगल पारों ने कर दी पार्ल वाले कमरे की सफाई। देखो ये देखो, सारे पर्दे पुर्दे धो दिए, सारे कपड़े धोए सुबह, सारे गद्दे कवर सोफे गद्दी बाहर गिर रखी। देख लो सारा कमरा, और पार्ल बनाने लग रही स्टा की रील। सफाई कर दी थी तक, गद्दे गुद्दे अंदर लगाए नहीं बेड पर। सुबह का सारा काम खत्म करके फिर करे कमरा साफ, और ये बैगी लंच बनाने की बारी। लंच का टाइम हो गया तो लंच बनाना कर दे शुरू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लंच के बाद। तो मेरा 11 बजे निमट गया था, तो मैंने फिर भूख लगी और 12 बज गए। मैंने दलिया खाया, मम्मी जी ने मक्का दलिया बना रखा था। और ये देखो भाई, मैंने पूरे कमरे का क्यों बस कवर कुवर सब वो कर दिए। तो अब गद्दे डाल दिए, कवर शाम के टाइम डालूंगी मैं, क्योंकि अभी गर्म हो रही सुबह के धूप में पड़े थे। तो शाम के टाइम कवर कोवर कर दूंगी इन पर सारों का सोफ सफ हो के। कवर गद्दी गुद्दी मैंने अभी धूप में ये रखी, मगर चल भाई थोड़ी सी और धूप लग जाएगी और इनसे मिलो भी। ये हमारे गुरुजी, हमने निरंकारी का सत्संग ले रखा है वहाँ से, तो हमने भी मतलब माता ही निरंकारी का सत्संग ले रखा है यहाँ ले रखे। तो भाई अब सत्संग है माता जी का वहाँ से, तो मैं जा नहीं सकती, कैंसिल हो गया मेरे घर जाने की, क्योंकि मैं सत्संग के मैं रोई ज़्यादा वो कर रही थी भी सत्संग जाऊँगी जाऊँगी, पर इन्हें मना कर दिया कि अब तो आर का दिन है, आर तो आ रहा है लिए काम भी बहुत ज़्यादा तो जाना नहीं। फिर मगर चलो भाई टाड़ फिर थी, तो गाई कल रोई भी थी, मैंने क्लिप नहीं निकाल ली, मगर मजाक उड़ा हुआ कोई बच्चों की तरह रो लिए, घर नहीं बेचते घर नहीं बेचते। लेकिन इतना रोने के बावजूद भी किसी ने इतना सा भी तरस नहीं खाया मेरे पर। अब भाई रोन लै गरीब तो हाँ बढ़ तो जान की कोई नहीं बेचता मैंने ना इंसाफी करते करते। मैं कहा भैया तुझ पर जाइए, तो भाई अपने बड़े हैं तो मानना पड़ेगा, अगर ऊपर नौकर जाए तो वही बात कहूँगे ऊपर नौकर चले गए, तो भाई ये रूल हमारे घर में नहीं कि भाई अपने बड़ों का कहना नहीं मानना। तो मैंने चलो मैं कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिन की बात रहेगी फिर चली जाऊँगी, तो नवंबर में जाऊँगी मैं, जो मर्जी इनकी सतगुरु की वही ठीक अपने। तो भाई स्वीट खाना लग रही बना, वो थक गई बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि तड़की की लग रही पहला डेली यूज के कपड़े धोए थे, जो मैं वही धोए फिर ये इनमें तो कितने गेड़े लग गए, कवर कुवर है पर्दे पुर्दे हैं ये धोए, इनमें काफ़ी टाइम लग गया। शाम के टाइम इन्हें डाल दूंगी कवर कुवर ने, शाम के टाइम करूँगी और काम बाकी, क्योंकि फिर दीवान सर्दी आएंगे और फिर उनका दूध दार देना ही आने वाले हैं, क्योंकि उनके पेपर चल रहे भाई, तो इन्हें 1:30 बजे ही है चाहे नहीं 3 बजे आने थे। तो फिर उसके बाद अपना थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद सामने उठ कर फिर पूरा काम कंप्लीट करूँगी जो मेरे कमरे का बचा हुआ है। आज अपना रूम साफ करा, कल टाइम लगे तो कल मैं सिमटी का करूँगी, फिर बैठक है जो मतलब वो करूँगी, 3 दिन लगातार यही काम करेंगे। हम पहला इसलिए लग रहे क्योंकि भाई फिर एकदम बहुत ज़्यादा काम मुझे मरता है, और इंगा जीरी जारी उठन लग जाए बहुत ही ज़्यादा काम हो जाए, और सोच रहे बैर ने पेंट करवाने की भी सोच रहे अब की बार देखो ही मैंने तो, क्योंकि मैं ना करूँ जाऊँगा कि ना एकदम ही करवाएंगे एकदम ही पेंट करवाऊँगी, हमने बूंदा लगा बहुत गंदा हो रहा अंदर में, तो अंदर अंदर कर लेंगे, बाकी बैर ने फिर जो इनकी मर्जी होगी वे कर लेंगे अंदर अंदर, तो पक्का करेंगे, पिछले साल भी नहीं करने दिया था इन्हें मरता। 4 बज गए और ये देखो रूम की हालत देखो, पर्दे वर्दे सब उतार रखे, तो अभी मैं फटाफट सब सेट कर दूँ, कवर कुवर डाल दूँ, ये सोफों के कवर और ये इसके कवर बाहर पड़े मैं लेता हूँ ये डाल लूँ। तो अभी दिमाग में देखो ये कितने पेन ले रहे, पेन का कोई काम नहीं था रहा। मैडम जी ये देखो कितने पेन ले कर, ये पेन इतने ले आवा इनको डांटो, देखो एक एक ले रहा है ये देखो। और किसके आए? ये दो तो रियांस के हैं। मेरा एक। चल मेरी हेल्प करवा फिर थोड़ी सी, इन गद्दों में कवर डालने। इस ना फिर कौन इस पर कवर चलावा, ये मुँह चला रखे तो तेरे पापा गाली देवा, मेरे तो बोतन का तैर का बगा तैर का बगा, फिर पता क्या है मिट्टी आवा ना ज्यादा बैठता है फिर एकदम खराब हो जाए, इस कर फिर कौन लगाने के कवर कुवर इस पर कई कौन से 500 रुपये तेरे डैडी के थे में दे दी उस था मेरे थे तेरे पापा ने 1000 रुपये देने तेज हो रहे हैं ना, मेरे पापा ने मेरे 1000 रुपये देने और 50 रुपये वाके में नब्बे नब्बे सौ कैसे कैसे देने बता बताइए ना, 1000 रुपये देने नब्बे सौ, तो आज मैं बताऊँ कैसे देने। इसके बर्थडे पर जो इसके इसने पैसे मिले थे ना, तो इसके पापा ने ले लिए थे, मैं इस पता मैं घर जा रही थी तो उसने यूज कर लिए, मैं तो इसके गुल्लक में डाल दी थी, अब की बार इनका गुल्लक फोड़ दिया था तो ये अपनी साइकिल ले आई थी, तो फिर पीछे तमे इसे पापा ने यूज कर लिए, इस वजह तक यू ना जब कुछ बात हो अपने पापा की चीज़ मंगावा मना करता वो, तो इनको पापा तने मेरे पीछे देने मैं पीछे वापस कर मेरे, इसलिए बोल रहे हो भी तने मेरे तक देने दे पापा के 500 रुपये। देखो देखो
तो फटाफट लग जू भाई काम पे, तो नहीं चलता रहेगा। से 5 बज गए और मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया, रूम बिल्कुल एकदम फिट कर दिया। बहुत टाइम लगा भाई, बहुत ज़्यादा। और ये और भाई पूरा आनंद आया, पूरा जी लगाएगा काम करें करती, क्योंकि मैंने भाई मैंने बहुत ही आनंद आया। जिकर कोई सॉन्ग बजाया था फुल वाज में बिल्कुल, और मेरे पर कितना ही काम करवा लो मेरा बिल्कुल भी ठका, इतना आनंद आया जी। सॉन्ग चल रहे और मैं काम करती हूँ, मैंने बहुत ही मजा आवे। तो फिर मैंने यू ही काम करे, 1-1.5 घंटे तक यही चले और फुल आवाज में बिल्कुल। और मैंने पूरा कमरा देखो, टाइम बहुत लगा, दौड़े में भी इतना टाइम नहीं लगा। तो मतलब इन्हें जितने सेट करने में लग गए भगवान, फिर चैन एक की चैन फरी होगी, फिर वो चैन सेट करी, दोबारा चैन चेंज करी, उसकी चैन चैन है जो वासा ही करी। तो भाई देखे सूट सी लूँगी अपना, ये तो टाइम ही नहीं रहा, खैर चल कल सिलूंगी बस थोड़ा सा रह रहा, तो मैं कल सूट सिल लूँगी अपना। फिर परसों ने देखूँगी, स्वीटी का रूम साफ करूँगी और फिर बैठक साफ करूँगी। तो गाइज हम छत पे आ गए थे, वो ठंडा मौसम, एक तो ठंड होने लगी, इतनी गर्मी नहीं होती, ठंडा 4-5 दिन हो गए ना, ठंड होगा पूरी, गर्मी नहीं होती है। तो दिखाती हूँ अपने पापा जी ने एक काम करा, ये देखो भाई पापा जी ने सारे पेडे थे ना जो ये ऊपर ऊपर तक जंग दिए, क्योंकि 3-4 साल हो गए इन पर अमरूद अच्छे नहीं आवे थे, ख़राब आवे थे, 1-2 पेडे पी आवे थे बढ़िया। और ये देखो जीरी भाई बारिश ने कैसे कर दी, कितना नुकसान हो गया, 5-7 दिन की कसर रह रही थी जीरी मान में, बट राम ने बरसा कर सारी लटा दिया। और उधर भी देखो अब तो बारिश के नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ नहीं इसका। और स्वीटी कर रही देखो के काम कर रही, डरी नहीं है। आ जाता अभी ऊपर छौका आ जाए, भी तो बहुत दिन पड़ा। चलो अच्छा बना ले, बना ले। तो भाई मेरे बेटा भी लोग बनाओगे, बना बेटे ले। ये देखो भाई मेरे हेलो गाइस वेलकम, लोग सुबह के बज गए 6, मैं उठ के मेरा मैंने दूध दिया बादाम खाए। तो भाई रात के 9 बज गए और अभी करी मना है व्लॉग की एडिटिंग, और मैंने देखा व्लॉग में पारुल ने एंडिंग नहीं कर रखी, तो पारुल सो गई थी, तो भाई व्लॉग का एंड में कर दूंगी। यू ही था आज का व्लॉग, और व्लॉग की क्लिप बहुत ही कम निकाल ली, क्योंकि आपने देखा होगा व्लॉग में आपने सफाई करी, आज बहुत बिजी थे। और रियांश सो गया, और ईद आगे तो अपने रियांश के भी व्लॉग देखने मिल करेंगे, आपने वीडियो में देखा भी होगा। यू तैयारी कर ला एकदम, कह रहे इससे तो तैयारी कर, जिस दिन अच्छा व्लॉग बनाएगा उसी दिन डाल देंगे। ये व्यू ट्रेनिंग पे और अभी ये सो गया है, गुड नाइट कर दिए इसने। तो बस भाई यही था आज का व्लॉग, वीडियो कैसी लगी वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन प्रेस कर लियो, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।